नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टीकम सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने CSE के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपको OMT ID कब तक मिलेगा या आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे जान सकते हैं। दोस्तों, दरअसल इस बात को लेकर मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, तो दोस्तों इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक करें या आपको OMT ID पासवर्ड कब तक मिलेगा, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो पर चलने से पहले आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, अपना CSE से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं जो बिल्कुल हिंदी में होते हैं और फ्री होते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जाना है आपको register.csecloud.in। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि दिस साइट हैज बीन मूव्ड टू register.csecloud.in। सबसे पहले तो इस साइट में जो है कुछ बदलाव चल रहे थे, इसको मैं लेकर सोच रहा था यार इसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव चल रहा है जो इस टाइप से दिखा रहा है, तो ये साइट यहाँ पे चेंज कर दी गई है। ये साइट register.csecloud.in से register.csecloud.gov.in कर दी गई है। इस साइट पर जाने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू गो यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज खुल के आएगा और यहाँ पे आप URL देख सकते हैं register.csecloud.gov.in/register/status। तो ये जो है सबसे पहली बात, तो इसका जो है स्टेटस चेक करने के लिए आपको ये नया URL बना दिया गया है, यहाँ पर आपको जाना होगा। तो दोस्तों, इस वेबसाइट पर पहुँचने के बाद वेबसाइट बिल्कुल वैसे ही है जैसे थी, आपको सीधा एप्लीकेशन पे जाना होगा। एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपको जाना होगा एप्लीकेशन स्टेटस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा यू कैन चेक द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन बाय सिंपली एडिंग द एप्लीकेशन नंबर इन बिलो फॉर्म। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एप्लीकेशन नंबर एंटर करने के लिए आ रहा है, यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करना है और आपको करना क्या है, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, दरअसल CSE में जो ये एप्लीकेशन न्यू एप्लीकेशन डल रही है उसको लेकर काम जो है डिले हो रहा है क्योंकि CSE वाले जो हैं कैशलेस को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो उस पर कुछ ज़्यादा काम चल रहा है, तो ये दूसरे काम जो है वो डिले हो रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो OMT ID होती है वो आपको लगभग 45 से 90 दिन में मिलती है। ये ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि आपको 45 दिन में ही मिल जाएगा या आपको 60 दिन में मिल जाएगा या 90 दिन में मिल जाएगा। ये आपको 45 से 90 दिन के भीतर मिल जाता है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप एक बार मेरे कहने से हेल्प डेस्क कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों ने का ये कहना है कि आप जब यहाँ पर हम अपना एप्लीकेशन नंबर डालते हैं तो यहाँ पे दिखाता है इनवैलिड एप्लीकेशन स्टेटस, इनवैलिड एप्लीकेशन नंबर। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है, कुछ ये CSE में बदलाव हो रहे हैं, पोर्टल में बदलाव हो रहे हैं, कुछ काम डिले चल रहा है, तो आपका स्टेटस जो है वो नहीं शो कर पा रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। दोस्तों, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है या आपसे कुछ अपडेट मांगी जाती है तो वो आपको ईमेल के थ्रू कॉन्टेक्ट करेंगे। या दोस्तों, अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है या आपका फॉर्म अप्रूव्ड किया जाता है, वो भी आपको आपकी ईमेल आईडी पर मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने मेल को लगातार चेक करते रहिए क्योंकि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है वो मेल पे ही मिलेगी। तो दोस्तों, आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये लगभग 45 से 90 दिन में मिलता है और आपको ईमेल के थ्रू मैसेज दिया जाता है कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड, वेलकम टू आवर CSE फैमिली। ठीक है, इस तरीके से एक मैसेज आता है आपके पास, तो आप ये समझ लेना कि हमारा जो है वो CSE एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो चुका है। और आपको OMT ID अभी भी नहीं मिलती है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, आपको OMT ID कन्फर्म मिल जाएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो सारी शंकाएँ थी एप्लीकेशन को लेकर वो सारी मिट गई होंगी। अगर नहीं मिटती हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, अगर और भी कुछ दिक्कत आती है तो बताइए, क्योंकि अभी फिलहाल जो है इसमें पोर्टल में जो है चेंजिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, तो
ये जो थोड़ा है काम डिले हो रहा है, ये पूरी तरीके से एप्लीकेशन को देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी परेशान ना रहें, भाई हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ, ये हमारा एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो गया CSC के लिए। तो दोस्तों ये शेयर जरूर कर दीजिएगा उनके साथ, ताकि वे परेशान ना रहें। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।